हेलो दोस्तों, आई सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों हम घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे भाषाएं। देखिए भाषाएं क्या हैं, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद जो हमारे पिछला जो चैप्टर था प्रजाति और जनजातियाँ, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो हम दोनों मर्ज करके आज डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि भाषाएं क्या होती हैं। देखो जो भाषाएं होती हैं ये माध्यम होती हैं, आपके जो विचार हैं कुल मिलाकर संप्रेषण का माध्यम होती है। संप्रेषण मतलब आपके विचार, आपके जो बात बताना चाहते हैं, आपके जो संदेश है, मैसेज है, व्यक्ति ए से मान लीजिए व्यक्ति बी तक पहुँचाना है, तो आपकी एक भाषा होगी। तो भाषा ये होती है मतलब जो आप बोलते हैं, ठीक है, और इसको अगर आप लिपिबद्ध करते हैं तो लिपि रूप में आ जाती है। जैसे हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी क्या है, भाषा। देखिए उसकी जो लिपि है वो देवनागरी, हम लोग देवनागरी भाषा में लिखते हैं, लिपि में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं भाषा से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या, थोड़ा सा ये देख लीजिए। देखिए भारत के संदर्भ में हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है, और इसके बाद बांग्ला भाषा दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। ये सब नहीं याद करना कितने मिलियन लोग बोलते हैं। और ये देखिए जान लीजिए कि ये दो भाषा परिवार है हमारे यहाँ, एक है यूरोपीय भाषा, एक है द्रविड़ भाषा। तो जो यूरोपीय भाषा का संबंध है मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, संस्कृत, ये प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, ये अब देखिए अगर भारत के मैप को देखेंगे तो ये भाषा ऐसे कुछ बोली जा रही है सब इसके ऊपर, ठीक है ना। एक दक्षिण भारत की भाषा है, इन्हें द्रविड़ परिवार की भाषा कहते हैं। और जो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा, कुछ महाराष्ट्र में और कर्नाटक की सीमा के जो ऊपर जो इतने राज्य हैं भारत के, जो वहाँ बोली जाती हैं उन्हें कहते हैं हम लोग यूरोपियन भाषा। क्यों कहते हैं यूरोपीय भाषा, देखिए जो यूरोपियन थे यहाँ पर मेनली आपके, तो आज जो ये भाषाएँ यहाँ बोली जाती हैं वो काफ़ी मिक्स्ड हैं, यानी काफ़ी शब्द ऐसे हैं जो यूरोपीय हैं, काफ़ी संस्कृत के शब्द हैं, तो ये सब मिले जुले शब्द बोले जाते हैं। लेकिन जब द्रविड़ भाषा में जाइए, कन्नड़, मलयालम और आपके ये तेलुगु, ये तमिल, ये सब भाषाएं क्या, अभी द्रविड़ भाषा मूल रूप से उसी तरह बोली जाती हैं, जिसके अंतर्गत आती हैं तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, उराव, ब्राह्मोई, तो दो भाषा परिवार हैं। चलते हैं इसे क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। एक तीसरा जान लीजिए, एक ऑस्ट्रिक समूह होता है, इसमें खासी, संथाली, मुंडारी, भूमि, ये मेनली क्या है जनजातियों की भाषा है, ये क्या ऑस्ट्रिक समूह है। तो तीन हमने समूह देखे, पहला क्या देखा, यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, और तीसरा है ऑस्ट्रिक समूह। चलते हैं क्वेश्चन आंसर में। देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब भारतवर्ष नहीं, भारत, ये पाकिस्तान है और ये आपका ये सब क्षेत्र, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वाधिक संख्या के आधार में हिंदी के बाद, देखिए कह रहा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक तो हिंदी बोली जाती है, उसके बाद कौन सी भाषा बोली जाती है। अभी आपने पढ़ा है बंगला भाषा, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीएससी आईएएस 1993 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन एमपी पीछे से पूछा गया है कि हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। आइए जो तीसरा क्वेश्चन है, कौन सबसे बड़ी भाषाई समूह है, ठीक है ना। तो अगर भाषाई समूह का आप देखेंगे तो ये है आपका, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है लेकिन भाषाई समूह जो यहाँ तक बोली जाती है बंगला तक, ये है आपका इंडो आर्यन, आंसर क्या होगा इसका बी। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषाई समूह है, इंडो आर्यन, यूरोपीय परिवार वाली भाषा, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। देखिए पढ़ लीजिए, भारत की 76.87% जनसंख्या इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। देखिए पहले नंबर इंडो आर्यन है, फिर इसके बाद हमारे यहाँ तमाम भाषा बोले, ईरानी, यूरोपियन, ये पूरी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन है, कौन सी ऑस्ट्रिक समूह की भाषा, अभी हमने पढ़ा ना ऑस्ट्रिक समूह की भाषा, मेनली जनजातीय समाज की भाषा है। देखिए तमिल तो होगी नहीं, मराठी भी नहीं है, लद्दाखी भी नहीं है, इसलिए इसकी भाषा होगी खासी। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि ऑस्ट्रिक समूह की भाषा के बारे में, ये देखिए दिया हुआ है, खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज,
ये है खासी समूह। तो तीन भाषा परिवार याद रखिएगा, यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और ऑस्ट्रिक। यूरोपीय भाषा परिवार आपका मेनली जो नॉर्थ इंडिया साइड और थोड़ा पश्चिमी भारत में, यानी महाराष्ट्र से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक और पूरा ऊपर। द्रविड़ भाषा परिवार कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और जो ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है मेनली जनजातियों में बोली जाती है। देखिए जो ये क्वेश्चन है यूपीएससी में पहले इस तरह क्वेश्चन आते थे, इसे भाषा पहचानना है आपको कौन सी भाषा क्रम है। देखिए ये अगर आप भारत के मैप को देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये है आपका नेपाल और नेपाल से सटा हुआ है ये उत्तराखंड, इसके बाद है यूपी। यूपी में देखिए ये, फिर इसके बाद बिहार का क्षेत्र आ जाएगा, पूर्वी बिहार यानी जाके पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र है ये। देखिए ये जो ये क्षेत्र दिखा रहा है ये आपको दिखा रहा है मथुरा आगरा वाला क्षेत्र जहाँ ब्रज भाषा मेनली बोली जाती है। ये आपको दिखा रहा है लखनऊ कानपुर और इलाहाबाद का क्षेत्र, यानी कि बोली जाती है आपकी अवधी भाषा। और ये दिखा रहा है बिहार पश्चिमी और पूर्वी यूपी यानी कि भोजपुरी भाषा। और ये आपका है बिहार पश्चिमी बिहार यानी सॉरी पूर्वी बिहार यानी कि मैथिली भाषा। देखिए इसका जो क्रम होगा कुछ ऐसे होगा, पहले ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, देखिए मिला लीजिएगा इससे, ठीक है ना। ये आपकी ब्रज भाषा, भोजपुर सॉरी अवधी, भोजपुरी और मैथिली, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया। देखिए जो प्राच्य भाषा होती है पहले उसके बारे में जान लीजिए। प्राच्य भाषा मतलब साहित्यिक भाषा। साहित्यिक लैंग्वेज इंडिया में कितनी है, टोटल है 6, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, चार तो द्रविड़ भाषा समूह की हो गई, एक आपकी संस्कृत और छठवीं जो नई दी गई है वह उड़िया। तो जो साहित्यिक भाषा होती क्या है थोड़ा सा जान लीजिए, जिनका अपना 1500 से 2000 पुराना इतिहास अपना खुद का, यानी 1500 से 2000 वर्ष पहले बोली जाती थी भाषा, वो उनका अपना एक साहित्य भी होना चाहिए, सुविचारित यानी सुव्यवस्थित साहित्य होना चाहिए। तो ऐसी भाषाओं को हम भारत सरकार जो है साहित्यिक भाषा के तौर पर नामित करती है। इसमें इस समय 6 भाषा कुल मिला के हूँ। और देखिए 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपके ज़्यादा नहीं थे, इसमें मेनली आपके इतने ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी पूछा जाए तो गलत ना हो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद हम दोस्तों जो हमारे हमने अभी चर्चा की कि हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जब हम कल लोग पढ़ रहे थे, जातियाँ और सॉरी प्रजातियाँ और जनजातियाँ जो बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन आने का मतलब है ये बताता है कि इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग जो रेस्ट पार्ट ऑफ प्रजातियाँ और जनजातियाँ का था हम उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, IAS हिंदी YouTube चैनल बिहार PCS के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है, जिसका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लॉन्च हो चुका है। आप जाके YouTube चैनल IAS हिंदी चैनल में उस टेस्ट को दे सकते हैं और अपने फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं आप कितना सही कर पा रहे हैं। देखिए ये टेस्ट सीरीज का जो उद्देश्य होता है उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि आप जो है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो सिंपल ही रहते हैं लेकिन गलत करने की फ्रिक्वेंसी कम से कम हो, ये इस चीज़ के लिए टेस्ट सीरीज कराई जाती है। आप देख लीजिए पहला टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए कैसा है, इसके बाद विचार कीजिए हम आपको आगे उसको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 39वां, ये है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन 2010 का है यानी 2011 की जनगणना से पहले का है, इसीलिए शायद स्टार मारा गया है। अब इसमें दिया गया अंगामी, नागालैंड, आपातानी अरुणाचल, देखिए भोटिया उत्तर प्रदेश, देखिए वर्तमान में भोटिया उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, हम उस दिन पढ़े थे, गोंड मध्य प्रदेश। तो इसमें देखिए ये दिया गया है डिस्प्यूट किस चीज़ को लेकर है, कि जनगणना 2011 के अनुसार उपयुक्त सभी विकल्प सुमेलित हैं, यानी अगर 2011 के अनुसार देखा जाए तो
उत्तर प्रदेश में भोटिया पाई जाती है, इसके पहले नहीं पाई जाती है। अगर 2010 का क्वेश्चन होता इसका आंसर हो जाता सी। 2011 के बाद ये आंसर होगा सबमर्ज, यानी अंगामी नागालैंड में, आपातानी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, भोटिया आज उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, गोंड मध्य प्रदेश में। इसलिए वर्तमान के हिसाब से इसमें चारों जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन 2010 के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भील जाति कहाँ पाई जाती है। हमने बताया था भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है और राजस्थान में पाई जाती है, तो इसमें कौन सा आंसर है, महाराष्ट्र वाला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसे बहुपतित्व प्रथा मानी जाती है। बहुपतित्व प्रथा मतलब कई पतियों की प्रथा मानी जाती है। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन इसमें सही हैं। इसमें है आपका एक तो जौनसारी, जिसको हमने पढ़े थे, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और इसमें टोडा, जो आपकी नीलगिरी की जनजाति है, नीलगिरी पहाड़ी यानी तमिलनाडु और केरल में जो है उनकी जनजाति, यानी जौनसारी और टोडा दोनों में क्या है, बहुपतित्व प्रथा है। याद कर लीजिए ये क्वेश्चन 2009-2006 में पूछा जाने के बावजूद UPPCS में इसके बाद ही पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जौनसारी तो यूपी में कई बार पूछा जाता है। तो जौनसारी और टोडा बहुपतित्व प्रथा को मानते हैं। फिर देखिए मिलान करना है, इस बार सही चयन करना है। ठीक है, तो भील जनजाति सिक्किम में नहीं पाई जाती, भील जनजाति अगर पाई जाएगी राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में, तो एक आंसर होगा चार, यानी यहाँ पे चार होगा। संथाल आपके पाई जाएगी झारखंड में, यानी बी के लिए हो गया तीन। ठीक है, तो इस तरह इसको लिखते हैं, चार और तीन। और जो लेपचा है, देखिए लेपचा आपकी पाई जाएगी सिक्किम में, तो ये हो जाएगा एक, और इधर बीच में हो जाएगा आपका राजी उत्तराखंड, तो इसका देखिए क्या होगा, चार तीन दो एक, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, ये हो जाएगा आंसर बी। ठीक है दोस्तों, जी मिला लीजिए, ये भील, राजस्थान, संथाल, झारखंड, राजी, उत्तराखंड, सिक्किम, लेपचा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची एक और दो को सुमेलित करना है, फिर से सेम क्वेश्चन है। भूटिया आपके पाई जाती है उत्तराखंड, यहाँ पर नहीं थी, सिक्किम में। देखिए टोडा आपकी पाई जाती है तमिलनाडु, नीलगिरी में, सेंटलीस, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, मिलाइए यहाँ से, आंसर हो जाएगा ए। और ये देख लीजिए यहाँ पर, बिरहोर, झारखंड, भूटिया, सिक्किम, टोडा, तमिलनाडु, सेंटलीस, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है, फिर से टोडा तमिलनाडु, गारो मेघालय में, आप पढ़ ही चुके हैं गारो मेघालय में है, टोडा तमिलनाडु में है, लेपचा सिक्किम में, बिरहोर, देखिए बिरहोर का तमिलनाडु यहाँ पर दिया हुआ है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए, ऑप्शन के हिसाब से, सॉरी बिरहोर आपके झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में, गारो मेघालय में, लेपचा सिक्किम में, इसलिए दिए को मिलाएंगे हम। देखिए एक आंसर है आपका ए का तीन, बी का एक, तो एक इसमें क्या चुनना था, हाँ देखिए एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्त दोस्तों 44 क्वेश्चन के बाद जो है, जो 45वां क्वेश्चन है वो पेज स्कैन नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम जब नेक्स्ट कोई भी चैप्टर डिस्कस करेंगे तो जो छूटे हुए यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं लगभग, उनको डिस्कस कर देंगे। लेकिन देखिए मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, और यही मैंने बता ही दिया कि आपको टोडा तमिलनाडु में, बिरहोर झारखंड में, गारो मेघालय में, लेपचा सिक्किम पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं, हम आपको किसी अगले चैप्टर में मर्ज कर देंगे, सॉरी दोस्तों पेपर स्कैन नहीं हो पाया है। देखिए अगला क्वेश्चन है 56, आइए सीधे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा सुमेलित नहीं है। देखिए थारू उत्तराखंड में पाई जाती है, शेरपा नेपाल में, आप सुनते होंगे कि जिस वहाँ के शेरपा हैं, टोडा दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु पाई जाती है, जुलू देखिए उड़ीसा में नहीं पाई जाती, बल्कि जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका की निवास करने वाली जनजाति है। जुलू कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका की, आंसर हो जाएगा डी। 57वां क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है। देखिए ये छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ, शिवपुरी, इसका मतलब मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक बताना है कौन से जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है।
देखिए वहाँ भीड़ तो पूरी तरह पाई जाती है, तो इसको हम लोग ऐसे सीधे देख लेते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वहाँ के जिले के हिसाब से दिया गया है, छिंदवाड़ा में भारी है। अगर आप एमपी देते हैं तब ऐसा क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एमपी जिनको देना वो ध्यान कर लें। छिंदवाड़ा में भारी है, झाबुओ में भीड़, मंडला में गौंड, शिवपुरी में सहरिया। आंसर हो जाएगा इसका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? देखिए आईएस 2009 क्वेश्चन है और ये बहुत ही चर्चित जनजाति रही है। ये पाई जाती है आपके निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान एवं निकोबार में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर केवल निकोबार दिया है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। ये बहुत चर्चित जनजाति रही है। अब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, यानी कि बहुत तेज इनकी संख्या कम हो रही है। देखिए केवल 229 लोग ही पाए जाते हैं, इनकी जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए चर्चा में रहती है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में औंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? ये भी औंज, सेंटलीज, शोम्पेन सब अंडमान निकोबार की जनजाति है। आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छोटा अंडमान है, लिटिल अंडमान। आपको मैंने बताया था ना, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी, फिर लिटिल अंडमान, फिर इसके बाद निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पाई जाती है ये जनजाति। कौन सी? औंज। चलते हैं जो जारवा जनजाति है, हाल ही में चर्चा में रही, देखो 2013 में चर्चा में थी ये, इसलिए पूछा गया था। यही पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कौन कौन सी? जारवा, औंज, सोमपेन, सेंटलीज जनजाति। कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब इस समय सेंटलीज जनजाति काफ़ी चर्चा में रही है, एक यूरोपियन व्यक्ति उनके क्षेत्र में आया था तो उसकी हत्या कर दी गई थी सेंटलीज जनजातियों द्वारा, इसलिए काफ़ी चर्चा में रही है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। जरवा जनजाति ये पाई जाती है, देखिए ये छत्तीसगढ़ पीछे से क्वेश्चन है, हमने भी पढ़ा कि जरवा जो है आपके निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये देखिए जरवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है। ये जनजाति दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिम तटों पर पाई जाती है। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आपको इतना पता होगा तो आपका क्वेश्चन ऐसा ही आता, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन है। भारत की सर्वाधिक आदि, सर्वाधिक आदि मतलब सबसे प्राचीनतम जनजाति जो बहुत पहले से जनजाति थी, वो जारवा है। और कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर निकोबार है या अंडमान है, कहीं भी आए तो आपको मार देना है। ठीक है, ये मंगियार नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है मंगियार। 2014 आईएएस का क्वेश्चन है, उस समय चर्चा में था क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर मतलब ये पश्चिम है और ये उत्तर आपके ये पंजाब राजस्थान ये सब क्षेत्र, ये क्या अपने शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात, सॉरी पश्चिमोत्तर भारत में संगीत परंपरा के लिए विख्यात जनजाति है, इसलिए चर्चा में रही थी और ये क्वेश्चन आया था। इसके बारे में जान लीजिए, ये राजस्थान के रेगिस्तानों में रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं लोग। ये क्या है? मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मंगा नियार राजस्थान में पाए जाते हैं और ये संगीत काफ़ी मतलब संगीत की प्रैक्टिस करते हैं, संगीत परंपरा को एक काफ़ी लेकर चलते हैं, इसलिए 2014 में चर्चा में थी, यूपीएससी ने पूछ लिया था। क्वेश्चन है निम्न कौन सी आदिम जनजाति है? ठीक है, आदिम मतलब पुरानी। अब इसमें से आपको सोचना है कौन सी है, कंफ्यूज सकते हैं सब है, क्योंकि झारखंड पीछे क्वेश्चन है, इसलिए झारखंड में ही ऐसा पूछा जाएगा। यदि आप झारखंड देते हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अन्य स्टेटों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। देखिए लिखा है झारखंड की 32 जनजातियों में 8 जनजातियाँ आदि जनजाति समूह है। अब आपको 8 को 8 पता होना चाहिए, यदि आप झारखंड दे रहे हैं, यदि आपको बिहार देना है, यूपी देना है, अन्य स्टेट देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। झूमिंग करते हैं, देखिए झूमिंग जो नॉर्थ ईस्ट की जनजाति है, यानी उत्तर पूर्व भारत की जनजाति हैं, मोस्टली झूमिंग करती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की जनजाति कौन सी? खासी। जो गारो खासी जनती हैं सब झूमिंग कृषि कर, झूमिंग कृषि क्या होती है? एक बार कृषि यहाँ पर की है, फिर जब उपज होने लगी, फिर यहाँ की फर्टिलिटी यानी कि उर्वरक मिट्टी कम हो गई, दूसरी जगह गए पेड़ों को काटा जहाँ पर कृषि की है, फिर तीसरी जगह गए, फिर ऐसे आते हैं, तीसरी झूमिंग कृषि। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? देखिए कत्था इसका नाम है खैरवार, और देखिए कत्था को भी खैर बोला जाता है, इसलिए याद रखिएगा। कत्था यानी कि जो पान में लगाया जाता है जिससे लाल हो जाता है जीभ, उसको कत्था कहते हैं, और कत्था की जनजाति जो बनाती है उसको कहते हैं खैरवार, और इसलिए कत्थे को कई बार आप गाँव में सुने खैर भी कहते हैं।
फिर देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि सही उत्तर चुनना है। संथाल देखिए झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में, भील आपके पाई जाती है राजस्थान में, जारवास अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मिला लीजिए तो ए का हो जाएगा आपके झारखंड से 3, बी का हो जाएगा 4, 3 4 टोडा से 1, 3 4 1 कहाँ पर है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आंसर बी, 3 4 1 इसके बाद 2। ये देखिए जारवास यानी जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कुरुख बोली बोली जाती है, कुरुख बोली कहाँ बोली जाती है? ये उरांव जनजाति के लोग बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ही ऐसा क्वेश्चन आएगा। आप छत्तीसगढ़ दे रहे हैं बिल्कुल ध्यान दीजिए, नहीं दे रहे हैं आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना का ऐसे क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो सकते हैं या अन्य किसी स्टेट में आते हैं। फिर भी क्वेश्चन है तो हम लोग जान लेते हैं, कुरुख बोली उरांव जनजाति बोलती है। देखिए जो इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? हलाम नोटिया जनजाति याद कर लीजिए, त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम याद कर लीजिए, हलाम नोटिया जनजाति त्रिपुरा राज्य में। देखिए फिर से क्वेश्चन आया है, वही मिलाना है गद्दीश। देखिए आपको पहले देखिए टोडा तमिलनाडु, खासी, मेघालय, नागा आपके पाए जाएंगे, ये गद्दीश हिमाचल प्रदेश, नागा मणिपुर में। तो देखिए ए का होना चाहिए 3 और बी का 4, गद्दीश आपके ए का दिया है यहाँ पे, ए का देखिए आपका होगा 2, टोडा तमिलनाडु 3 4, खासी मेघालय 1 और नागा मणिपुर। हाँ ठीक, मैंने यही बताया आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। देखिए आप देख लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन पूरे समाप्त हो गए प्रजाति जनजातियों का। आप देख सकते हैं जैसे 70 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। यूपीएससी से ही पूछे गए, पीसीएस से ही पूछे गए, स्टेट पीसीएस से पूछे गए हैं। आप ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक चीज़ और दिखी कि काफ़ी रिपीटिशन था, यानी कि यदि आपको पता है कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। इसलिए इनमें याद करने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यदि आपको याद रहेगा आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।